नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु, और एस्ट्रो वास्तु में बुध ग्रह और बेडरूम, यानी बुध ग्रह के द्वारा भी बेडरूम हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस टॉपिक और एक्सटेंड करूँगा। बुध ग्रह, बेडरूम और प्रोफेशन में प्रॉब्लम, यानी वह कौन सी ऐसी स्थिति है जहां बुध आपकी कुंडली में बैठा है और फिर उस दिशा में आपका बेडरूम या आपके परिवार के किसी का बेडरूम है, तो फिर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें बताऊंगा आपको। ज्योतिष नहीं भी आती है तब भी आप समझ सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी इस रेमेडी को करके फायदा उठाना है, तो फिर आपको वास्तु आना चाहिए। टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले एक जानकारी मैं दे दूं। मेरा वास्तु कोर्स जो अगस्त में हुआ था उसकी फी 23,000 रुपये, यानी वास्तु कोर्स जो मैं कराता हूं उसका रेगुलर फी 23,000 रुपीज़ होती है। लेकिन 14 अक्टूबर से जो मैं बैच शुरू कर रहा हूँ उसकी फी मात्र 6,000 रुपये रखी हुई है। कोर्स कंटेंट पूरा वहीं रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको कोर्स का कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई होगी। कोर्स जूम ऐप पर होगा और प्रत्येक क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। और जो एस्ट्रो वास्तु पर मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स मैं 4 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ और इसकी फ़ी मात्र 6,000 रुपये रखी गई है। यदि इस कोर्स को या दोनों कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारी जानकारी आपको वहां दे दी जाएगी। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यानी जो आपको चाहिए, यदि आप घर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या गाड़ी का या नौकरी का या पैसे का, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा का बेडरूम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा में अपना बेडरूम बना लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम, बुध ग्रह और बेडरूम। यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में बुध ग्रह बैठा है, 12th हाउस में, और आपकी बहन या बेटी का बेडरूम साउथ ईस्ट में है, यानी घर के अग्नि कोण में, या साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर है या प्लांट्स है, तो फिर आपके प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक सबसे प्रबल कारण यह हो सकता है। यानी बुध का 12वें में होना और आपके घर के साउथ ईस्ट में आपकी बहन या बेटी का बेडरूम होना या यहाँ ग्रीन कलर या प्लांट्स का होना आपके प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली समस्याओं का एक प्रबल कारण हो सकता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी बहन या बेटी का बेडरूम है तो उसको वहां से चेंज कर लें, दूसरी जगह कर दें। प्लांट्स है उसको भी वहां से हटा दें, वास्तु के अनुरूप आपके घर में जो जोन्स आ रहे हैं वहां पे उसको रिप्लेस कर दें। और जो ग्रीन कलर है उस कलर को चेंज करके, यदि आप यहाँ पे कलर के लिए मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक आपके घर का बार चार्ट नहीं देखा जाएगा तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि यहाँ पे लाइट ऑरेंज होगा या फिर लाइट येलो कलर होगा। यानी ग्रीन को हटा के लाइट ऑरेंज, लाइट पिंक या लाइट येलो कलर आप करवा सकते हैं। जैसे ही ये रेमेडी आप करेंगे तो ईश्वर की कृपा से लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। यहाँ मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा और फिर अभी भी बता रहा हूँ कि जब तक आपको वास्तु का नॉलेज ना हो तो कृपया कोई भी घर में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। बने रहिए, मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।